हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। आज की जो ये वीडियो है ये ग्रामर से रिलेटेड रहेगी। इन जितने भी ब्लैंक्स है उसके अंदर आपको आपको हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार और नाउन या प्रोनाउन जो भी रूल्स हैं सब्जेक्ट के अनुसार आप लोगों को पता करना है कि इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। एचटेट या हरियाणा का कोई भी आप लोग पेपर दे रहे हो उसके लिए ये वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें टोटल मैंने 9 सेंटेंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी ये। पहले 9 के 9 सेंटेंस आप लोग ट्राई कर लेना, उसके बाद मेरा जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो सुन लेना और इनको अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लेना। तो आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। अब इसके अंदर आपको फील करके बताना है कि जो वर्ब है वो इज आएगी या फिर आर आएगी। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पहले मैं आपको रूल बता देती हूँ द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स में क्या रूल एप्लीकेबल होगा। आपको पता है एक कंसेप्ट होता है नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अगर हिंदी में बोले तो नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम, कोई भी नाम जो होता है उसे हम नाउन बोलते हैं। और नाउन जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और कॉमन नाउन होता है। बहुत प्रकार के नाउन होते हैं, उसमें से एक नाउन होता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से नाउन होते हैं? कलेक्शन यानी कि ग्रुप को बोलते हैं। एक ऐसा नाउन जो कि किसी चीज़ों से मिलकर बना है उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे आप सबको पता है कि फैमिली, फैमिली जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? फैमिली के अंदर क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। यानी कि फैमिली किस प्रकार का नाउन है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। अगर मैं बात करूँ आर्मी, आर्मी जो है आर्मी के अंदर क्या होते हैं? आर्मी के अंदर सोल्जर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं क्लास, क्लास भी एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है, तो क्लास के अंदर कौन होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। इस प्रकार से टीम, टीम के अंदर कौन होते हैं? प्लेयर्स होते हैं। तो जिससे मिलकर कोई एक नई चीज़ बनती है, एक ग्रुप बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और कलेक्टिव नाउन के साथ कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी ट्रीट होता है और प्लूरल भी ट्रीट होता है। अगर वो एक यूनिटी की तरह काम करता है यानी मिलकर कोई काम होता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर वर्ब लेता है अपने साथ। और अगर वो अलग अलग डिवाइड हो जाए तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है? हमारी प्लूरल वर्ब आती है। तो पहले सेंटेंस के अंदर क्या बात हो रही है? द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों का एक झुंड है ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे एक यूनिटी की तरह ये शो हो रहा है। पहले तो द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आपको ध्यान रखना है, बर्ड्स का जो झुंड होता है उसे क्या बोला जाता है? फ्लॉक बोला जाता है। तो द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होगा, आपको ध्यान रखना है। पेपर में कई बार इस तरीके से आ जाएगा द डैश ऑफ बर्ड्स, नीचे ऑप्शन में आएगा, पहला ऑप्शन दे देंगे ग्रुप, दूसरा ऑप्शन दे देंगे बंच, तीसरा ऑप्शन दे देंगे फ्लॉक। तो आपको पता है कि पक्षियों का जो झुंड होता है उसे कभी भी ग्रुप नहीं बोला जाता, पक्षियों के झुंड को कभी भी बंच नहीं बोला जाता। बंच का मतलब होता है गुच्छा, यानी कि बंच ऑफ ग्रेप्स हो सकता है, बंच ऑफ कीस हो सकता है यानी कि चाबियों का गुच्छा या फिर अंगूरों का गुच्छा। पक्षियों के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम फ्लॉक वर्ड यूज़ करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इसके बाद जो हम इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, तो ये एक यूनिटी की तरह काम कर रहे हैं कि वो हमें हमेशा सुबह सुबह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? हम इज यूज़ करेंगे, यानी पहले सेंटेंस का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इज आएगा। होप्स हो आपको समझ में आ गया होगा कि द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से काम करते हैं। अगर ये एक यूनिटी की तरह काम करे तो सिंगुलर, और अगर डिवाइड हो जाए तो ये किस चीज़ का काम करेंगे? प्लूरल की तरह ये काम करेंगे। अब यहाँ पे ये एक यूनिटी की तरह काम कर रहे हैं, यानी इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? इज आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द फैमिली डैश लेफ्ट द हाउस। सेम उसी प्रकार का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे फैमिली, फैमिली किस प्रकार का नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। अब जो फैमिली है उसने जो घर है वो छोड़ दिया है, तो यहाँ पे हैज़ आएगा या हैव आएगा? कहीं भी इससे ये नहीं पता चल रहा कि जो फैमिली है वो डिवाइड हुई है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हो सकता है, मान लो कि जो फैमिली है उसने कपड़े खरीदे हैं। अब अगर कपड़े खरीदे हैं तो हर फैमिली मेंबर के लिए अलग अलग खरीदे होंगे, एक ही कपड़े में तो सारे फिट नहीं आ जाएंगे ना उसके अंदर। तो वहाँ पे जो फैमिली है उसके साथ हम जो यूज़ करेंगे वो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फैमिली है वो एक यूनिटी की तरह काम कर रही है, यानी एक फैमिली है उसने घर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़। द फैमिली हैज़ लेफ्ट द हाउस। और आपको पता होना चाहिए हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो सेकंड आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है हमारे पास टाउन आफ्टर टाउन डैश डिस्ट्रॉयड इन वॉर। कि टाउन आफ्टर टाउन
वॉज डिस्ट्रॉयड इन वॉर आएगा या वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर आएगा। यहाँ पे भी नाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होगा, आपको ध्यान रखना है कि नाउन, नाउन के बाद कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए और उसके बाद सेम नाउन दोबारा आए, यानी एक नाउन ये है और एक नाउन ये है और बीच में कोई भी प्रेपोजिशन यूज हो रही है, तो पहला रूल क्या कहता है, दोनों नाउन क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। कभी भी अगर इनके साथ एस लगा हुआ है तो वो गलत होगा, दोनों के साथ आपको एस नहीं लगाना है, यानी कि टाउन आफ्टर टाउन होगा, यहाँ पे एस क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर दोनों साइड सेम नाउन आते हैं और बीच में कोई प्रेपोजिशन आती है तो आगे आने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, यानी यहाँ पे क्या आएगा, वो जाएगा, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड इन वॉर। रूल क्या याद रखना है, दो सेम नाउन अगर एक प्रेपोजिशन के द्वारा जुड़े हुए हैं और उसके बाद, पहले तो वो दोनों नाउन कैसे होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे, और उसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे टाउन आफ्टर टाउन हो सकता है, विलेज आफ्टर विलेज हो सकता है, शिप आफ्टर शिप हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे आपको बस ये रूल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर डैश ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हेयर। यहाँ पे जो रूल लगेगा वो लगेगा प्रेपोजिशन का रूल। अब देयर के बाद इज आएगा या आर आएगा ये डिपेंड करता है आगे वाले सेंटेंस के हिसाब से। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, प्रोनाउन में भी काम आएगा आपके, और जो ये वर्ब जो चैप्टर करेंगे उसमें भी काम आएगा, या जितने भी चैप्टर है उसमें ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल क्या कहते हैं कि जो प्रेपोजिशन है, यहाँ पर प्रेपोजिशन कौन सी है, ऑफ, प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन यूज़ होता है वो जो है वो पहले वाले की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है हमेशा। ये जो यूज़ होता है ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज़ होगा, जब आगे प्रोनाउन करोगे वहाँ पे अगर किसी ने किया हुआ है तो उसको समझ में आएगा। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, और जो भी वर्ब फील की जाती है वो हमेशा प्रेपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसके अनुसार फील की जाएगी। यानी देयर डैश ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हेयर, यहाँ पे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रही है, लेकिन कितने क्लास ऑफ स्टूडेंट्स की, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रही है, एक क्लास के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर हैं, ठीक है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हेयर, तो यहाँ पे देयर के साथ अगर एक की बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, और नाउन का आपको पता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा सेम रहता है, लेकिन प्रेपोजिशन से जो पहले यूज़ हो रहा है वर्ब हमेशा उसी के अनुसार आएगी, ठीक है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे प्रोनाउन पूरा का पूरा इस रूल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपने ये रूल अच्छे से सीख लिया तो आपको प्रोनाउन चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस होगा वो है ऑल द, अगला सेंटेंस है ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डैश, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट, एल ई एफ टी हो जाएगा, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, ऑल द फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डैश लेफ्ट। अब यहाँ पे आपको हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। अब कई कहेंगे अभी हमने फैमिली किया था, फैमिली के हिसाब से वो क्या लगा देंगे, यहाँ पे हैज़ लगा देंगे, लेकिन आपको रूल रटना नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि बात किस चीज़ की हो रही है। अब मैंने अभी अभी आपको रूल बताया है कि ऑफ क्या है हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, और वर्ब कभी भी उस केस के हिसाब से यूज़ नहीं होती। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे जो फैमिली है उसके अंदर जितने भी मेंबर्स है उसके बारे में बात हो रही है, यानी ऑल द मेंबर्स की बात हो रही है, और ऑल द मेंबर्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगी आगे वो भी क्या यूज़ होगी, प्लूरल यूज़ होगी, यानी यहाँ पे हैव यूज़ होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव लेफ्ट, ठीक है। होप सो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अगला रूल है हमारे पास, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर, वो जाएगा या वर आएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब आपको यहाँ पे एक रूल याद रखना है, एक होता है द लार्ज नंबर ऑफ और एक होता है अ लार्ज नंबर ऑफ। अगर द लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ आए तो आपको ध्यान रखना है ऑफ के बाद तो हमेशा जो यूज़ होता है वो हमेशा प्लूरल कंसेप्ट में यूज़ होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ और द लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन यूज़ होता है वो प्लूरल यूज़ होगा, चाहे आ लगा हुआ है या द लगा हुआ है। लेकिन अगर जो वर्ब यूज़ होती है, अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, ठीक है, आपको याद रखना है आ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, यानी मैनी पीपल की बात हो रही है, यानी बहुत सारे पीपल की बात हो रही है। आ देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक प्रकार का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। द
हो या आ हो, उसके बाद आ लार्ज नंबर ऑफ या द लार्ज नंबर ऑफ, जो नाउन यूज होगा आगे वो हमेशा प्लूरल यूज होगा, लेकिन जो वर्ब यूज होगी, अगर द लगा हुआ है आगे वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर, अगर आगे आ लगा हुआ है तो वर्ब कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, आगे जो वर्ब यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, हम वर यूज करेंगे। अगर यहाँ पे द लार्ज नंबर ऑफ पीपल होता तो आगे क्या यूज करते, हम वोज यूज करते। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नाउन हमेशा प्लूरल होगा। आपको पता है पीपल जो है, पीपल हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही रहता है, यानी कि पीपल पीपल ही होता है। आपको ये वर्ड आपको याद रखना है, यहाँ पे पीपल जो है वो प्लूरल है, पीपल का पीपल ही रहता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पीपल जो होता है हमेशा प्लूरल रहता है, ये कंसेप्ट आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास दिस डियर डैश ब्यूटीफुल हॉर्न्स, दिस डियर डैश ब्यूटीफुल हॉर्न्स। अब डियर डियर जो है वो सिंगुलर की तरह भी ट्रीट होता है और प्लूरल की तरह भी ट्रीट होता है। कब ये सिंगुलर होगा और कब ये प्लूरल होगा, ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे हैज़ लगाएं या हैव लगाएं। ये हमें कैसे पता चलेगा, सेंटेंस में कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी जो ये बात हमें बताएगी। अब डियर से पहले क्या आ रहा है हमारे पास, दिस आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है, डियर सिंगुलर में भी डियर रहता है और प्लूरल के अंदर भी डियर रहता है। कभी भी इसको प्लूरल बनाने के लिए डियर्स मत कर देना, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और पीपल क्या है, पीपल एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा कैसा होता है हमारा, प्लूरल ही होता है। ये चीज़ याद रखना आप कि पीपल हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और डियर जो है वो डियर सिंगुलर में भी डियर रहता है और प्लूरल में भी डियर रहता है, डियर्स कभी भी नहीं होता इसका। अब कब ये सिंगुलर है कब ये प्लूरल है, ये इसके आगे आने वाली चीज़ से पता चलेगा हमें। दिस डियर लिखा हुआ है तो मतलब एक डियर की बात हो रही है, अगर दिस डियर लिखा होता तो मतलब बहुत सारे डियर की बात हो रही है। तो दिस डियर, अब एक की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे, दिस डियर हैज़ ब्यूटीफुल हॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर डैश माई स्पेटिकल्स, स्पेटिकल्स जो होते हैं वो हम बोलते हैं चश्मे को। अब नाउन में एक रूल ये भी है, जो चीज़ पेयर में आती है जैसे पजामास हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ये चीज़ हमेशा किस तरीके से ट्रीट होती है, प्लूरल ट्रीट होती है, हमेशा ये प्लूरल कंसेप्ट में यूज़ होगी। जो चीज़ पेयर में आती है, स्पेटिकल्स यानी चश्मा, चश्मे जो होती है उसकी दो साइड होती है, दो साइड होती है, तो ये कभी भी स्पेटिकल नहीं होगा, हमेशा स्पेटिकल्स होता है। ट्राउजर नहीं होता, कभी भी ट्राउजर्स होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वेयर के बाद यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगी वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, और ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, आर यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शी डैश इंग्लिश बेटर देन ही। अब यहाँ पे मैं स्पीक यूज़ करूँ या स्पीक्स यूज़ करूँ, अब आपको पता है कि प्रोनाउन का एक रूल होता है यहाँ पे कि जो शी है, ही शी इट कुछ भी आए, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ करते हैं, एस या ई एस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पीक्स आ जाएगा, स्पीक नहीं आएगा, स्पीक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे थे 9 सेंटेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। डेली मैं वोकैब की वीडियो आप लोगों को देती हूँ, टोटल 40 वोकैब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप सुन लेना। और जो भी आपके लिंक के अंदर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप लोग ये वाली वीडियो ज़रूर पहुँचा देना। थैंक यू।